छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। यह व्याकरण हम आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग के कितने भेद हैं और प्रत्यय के कितने भेद हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आज देखेंगे। तो चलते हैं, पहले हम देखेंगे उपसर्ग की परिभाषा। देखिए, उपसर्ग मतलब वे शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा अर्थ बदल देते हैं, उनको उपसर्ग कहा जाता है। मुख्य शब्द रहता है, उसके पहले यह जुड़कर आते हैं और उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं या फिर उस शब्द में विशेषता लाते हैं, उनको ही उपसर्ग कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर दो शब्द है। इन दो शब्दों के माध्यम से हम देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपवन शब्द है। उपवन में यहाँ पर उप और वन, वन यह मुख्य शब्द है और उप उसको उपसर्ग जोड़कर आया है। तो यहाँ पर देखिए, वन का मतलब जंगल होता है, पर उप जोड़ने से अब यहाँ उसका जो अर्थ है वो बगीचा हो गया है। उपवन का मतलब क्या है? बगीचा। दूसरा है अधखिला, दूसरा शब्द है अधखिला। तो यहाँ पर अध यह उपसर्ग लगा है और खिला यह मुख्य शब्द है, मूल शब्द है। तो मूल शब्द को अध जोड़ने से क्या शब्द बनता है? अधखिला शब्द बनता है, मतलब आधा खिला हुआ, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर कुछ और उपसर्ग के भेद है, उसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर उपसर्ग का पहला भेद दिया है संस्कृत के उपसर्ग और दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। तो यहाँ पर चार चार उदाहरण दिए हैं। इस उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग किस तरह से हैं और हिंदी के उपसर्ग किस तरह से होते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है, यहाँ पर उपसर्ग दिया है, अर्थ दिया है और उसका शब्द दिया है। शब्द क्या तैयार होता है वो, तो अ उपसर्ग जोड़ने से यहाँ पर ज्ञान यह मुख्य शब्द है, मूल शब्द है, उसको अ जोड़ने से शब्द बनता है अज्ञान और इसका अर्थ होता है अभाव। अ अर्थ है अभाव और शब्द बनता है अज्ञान। ज्ञान को हमने अ जोड़ने से शब्द बना अज्ञान। दूसरा है आ, आ यानी अर्थ बनता है तक। यहाँ पर मरण मूल शब्द है और उसको आ जोड़ने से शब्द बनता है आमरण, मृत्यु तक। आमरण मतलब मृत्यु तक, आमरण इसका अर्थ होता है तक। आ जोड़ने से अर्थ बनता है तक और शब्द बनता है मरण, इस शब्द को आ लगने से आमरण शब्द बनता है। यहाँ पर देखिए, तीसरा उदाहरण है वी, उपसर्ग लगा है वी, मुख्य शब्द है देश, देश को वी लगने से शब्द बनता है विदेश। यह विशेष शब्द विशेष अर्थ बताता है, इसलिए यह शब्द बना है विदेश। मुख्य शब्द था देश और उसको वी लगने से शब्द बना विदेश, वी यह उपसर्ग इसको लगा है। यहाँ पर देखिए, नीर शब्द है, नीर यानि बिना, अर्थ है बिना और बल शब्द को नी लगने से शब्द बन नीर यह उपसर्ग लगने से शब्द बनता है निर्बल, शब्द बनता है निर्बल, मतलब बल के बिना, बल के बिना। यहाँ पर देखिए, यह हुए संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग दिए हैं, उपसर्ग अर्थ और शब्द। यहाँ देखिए, पहला शब्द है अध, अर्थ बना आधा और शब्द बना है अध पका, पका पूरा पका हुआ, पर यहाँ पर अध लगने से आधा पका हुआ ऐसा अर्थ होता है। कु का अर्थ है बुरा और शब्द बनता है पुत्र, शब्द को कु लगने से, कु यह उपसर्ग लगने से शब्द बनता है कुपुत्र यानि बुरा। यहाँ पर देखिए, सु अच्छा, सु का अर्थ क्या है? अच्छा। सु यह उपसर्ग है, पुत्र शब्द को सु जोड़ने से यहाँ पर उसका अर्थ होता है, शब्द बनता है सुपुत्र और अर्थ उसका होता है अच्छा पुत्र। देखिए, यहाँ पर भर, भर मतलब अर्थ होता है पूरा और पेट, पेट भर, यहाँ पर भर पेट यानि पूरा इसका अर्थ होता है भर पेट, शब्द बनता है भर पेट। भर यह उपसर्ग है और पेट यह मुख्य शब्द है। तो यहाँ यह हमारे दो उपसर्ग के भेद पूरे होते हैं।
यह आपको अपने नोटबुक में लिख कर लेने हैं। देखो, उपसर्ग का तीसरा भेद है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू शब्द है, उसके उपसर्ग कैसे होते वो देखिए। यहाँ पर उपसर्ग है, अर्थ है और शब्द है। बे, इसका अर्थ होता है बिना। रहम शब्द को बे लगने से बेरहम शब्द बनता है। देखो, बे यह उपसर्ग है, रहम यह मूल शब्द है, तो बेरहम शब्द बनता है। इसका बिना रहम के ऐसा अर्थ होता है। बद उपसर्ग है, अर्थ है बुरा, शब्द बनता है बदनाम। नाम यह मूल शब्द है, बद उसे जोड़ने से शब्द बनता है बदनाम। तीसरा है खुश। खुश मतलब अर्थ होता है प्रसन्न, शब्द बनता है खुशकिस्मत। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, तो प्रसन्नता यहाँ पर अर्थ देता है। कम, अर्थ बनता है थोड़ा, कमज़ोर, शब्द बनता है कमज़ोर। कम यह शब्द जोड़ने से यहाँ पर कमज़ोर ऐसा अर्थ इसका होता है। कमज़ोर मतलब थोड़ा। यहाँ पर देखिए, चौथा जो भेद है वो है संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय, इसके उपसर्ग होते हैं अंतर, पुनः, चीर, सत। देखिए, अंतर अर्थ बनता है अंदर, शब्द बनता है अंतर्मन, शब्द बनता है अंतर्मन। अंतर्मन यानी मन के अंदर। पुनः यानी फिर से, अर्थ है फिर से, पुनर्जन्म, जन्म फिर से। यहाँ पर देखिए, फिर से अर्थ है इसका पुनः का, शब्द बना है पुनर्जन्म। चीर उपसर्ग है चीर, चीर यानी बहुत समय। यहाँ पर चीरकाल शब्द है चीरकाल, काल यह मूल शब्द है, उसे चीर लगने से चीरकाल शब्द बना है। सत अच्छा, सत का अर्थ है अच्छा और शब्द बना है सत्कर्म। कर्म कैसे है, अच्छे कर्म है सत्कर्म। देखो, यहाँ पर हमारे तीसरा और चौथा उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग पूरे होते हैं, यह आपको नोटबुक में लिख कर लेने हैं। छात्रों, हमने उपसर्ग मतलब शब्द मूल शब्द के पहले जोड़कर आते हैं ऐसे देखा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा यहाँ पर हमें देखनी है। तो देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। किसी शब्द के अंत में लगकर जो शब्द उस शब्द की अर्थ बदल कर उसमें विशेषता लाते हैं उनको ही प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रत्यय के भी दो भेद है, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो देखिए, कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण का रूप देने वाले जो शब्द रहते हैं उनको ही कृत प्रत्यय कहा जाता है। जो क्रिया के अंत में लगकर आते हैं उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उनको ही तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे कृत प्रत्यय के और तद्धित प्रत्यय के। यहाँ पर देखिए, प्रत्यय के दो भेद दिए हैं, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण है लिख। मूल शब्द क्या है, लिख। लिख यह क्या है, क्रिया है, यह क्रिया शब्द है। लिख, उड़, घबरा, मिल, यह क्रिया शब्द है और इसके अंत में प्रत्यय यह शब्द जोड़कर आए हैं, आई, आन, आहट, आवट। देखिए, लिख इसको आई जोड़ने से शब्द बनता है लिखाई, तो आई यह क्या है, प्रत्यय है। उड़, उड़ को आन यह प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा उड़ान। घबरा, आहट जोड़ने से घबराहट, शब्द बनेगा घबराहट। मिल, इसमें आवट जोड़ने से शब्द बनेगा मिलावट। तो ये सब हुए कृत प्रत्यय। क्या हुए, कृत प्रत्यय। तो क्रिया शब्द के अंत में जो ये प्रत्यय लगकर आते हैं इनसे जो शब्द बनता है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इनके अंत में जो शब्द जोड़कर आते हैं उनको ही क्या कहा जाता है,
तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए समाज, इसको एक शब्द जोड़ा गया है तो शब्द बना है सामाजिक। रोज, आना शब्द जोड़ने से रोजाना, शब्द बना है रोजाना। भला, इसमें आई जोड़ने से भलाई शब्द बना है। जादू, इसमें गर यह प्रत्यय जोड़ने से जादूगर शब्द बना है। तो ये आपको अपने नोटबुक में लिख कर लेना है। देखिए आज हमने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग के भेद, उसकी परिभाषा, उसके चार भेद हमने देखे, और प्रत्यय इसकी परिभाषा, उसके दो भेद हमने देखे। यह सभी आपको आपके नोटबुक में लिखना है और उसको पठन करना है। तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग और प्रत्यय यह व्याकरण समाप्त होता है।